उत्तराखंड के चंपावत जिला मुख्यालय जीआईसी चौराहे पर अचानक बेकरी की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। पीड़ित ने जिला प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है। शुक्रवार देर रात मुख्यालय जीआईसी के चौराहे पर मनोज सिंह निवासी पोखरी की दुकान में अचानक से आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने बताया कि वह पिछले 7 साल से बेकरी की दुकान चलाकर अपना रोजगार कर रहा था। बताया कि सुबह 5 बजे सुबह की सैर पर निकले कुछ लोगों ने इसकी सूचना उन्हें दी, तब जाकर पता चला, जिसके बाद दुकान स्वामी ने इसकी सूचना पुलिस व जिला प्रशासन को दी। जब तक दमकल विभाग की टीम पहुंचती तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।